जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक नए कानून को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में उर्दू और इंग्लिश के अतिरिक्त डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड 19 से संक्रमित रोगियों की मदद के लिए दुनिया भर के 300 डॉक्टरों ने फ्री टेलीमेडिसिन परामर्श शुरू करने का निर्णय लिया है। डायल अ डॉक्टर नाम से इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के 300 से अधिक डॉक्टर मरीजों को स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के संबोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीते दिन हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 लश्करे तैयबा के आतंकियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्रांस ने भारत को 5 और रफेल लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं। जानकारी के अनुसार अक्टूबर में ये 5 रफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे। इन्हें पश्चिम बंगाल एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। कृषि कानून को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडिया गेट के पास अज्ञात लोगों ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। पुलिस के अनुसार करीब 15 से 20 लोग यहां इकट्ठे हुए और ट्रैक्टर में आग लगा दी। आग पर काबू पा लिया गया है और ट्रैक्टर को वहां से हटा दिया गया है। इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 0.58% ऊपर उठकर 37,604.50 के स्तर पर खुला, तो वही निफ्टी 0.50% की बढ़त के साथ 11,150.35 के स्तर पर खुला। आईपीएल लीग के 13वें सीजन के 9वें मैच में ही इतिहास बन गया है। शारजा में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को हराते हुए टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर जीत दर्ज की। भारत व दुनिया की मशहूर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने दशकों तक बॉलीवुड पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 82,170 नए मामले सामने आए, तो वहीं 1,039 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 60,74,703 हो गया है और इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 95,542 हो गई है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 113वीं जयंती है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को अविभाजित भारत के लायलपुर जिले के बंका में हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, अपने परिवर्तनकारी विचारों व अद्वितीय त्याग से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले और देश के युवाओं में स्वाधीनता के संकल्प को जागृत करने वाले शहीद भगत सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगत सिंह जी युगो युगो तक हम सभी देशवासियों के प्रेरणा के अक्षुण स्रोत रहेंगे। देश में छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे मौसमी फल और सब्जियों की ढुलाई के लिए स्पेशल ट्रेनों को जोड़ने की सोच रहा है। इसके तहत दिसंबर और जनवरी के दौरान नागपुर और दिल्ली के बीच ऑरेंज या संतरा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। वहीं पंजाब से पश्चिम बंगाल के बीच किन्नू स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। किसान रेल सेवाओं की शुरुआत पिछले महीने की गई थी। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर उनके बेटे मानवेंद्र सिंह को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया। सोनिया गांधी ने कहा कि उनके जाने से हुई क्षति की भरपाई संभव नहीं है, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जसवंत सिंह को एक योग्य प्रशासक और उत्कृष्ट सांसद बताया। WHO के प्रमुख ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन की तारीफ की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत कोरोना से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपनी टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। WHO प्रमुख ने एकजुटता की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए
प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर अपनी ताकतों और संसाधनों के आदान प्रदान के जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुकाए गए इनकम टैक्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद ट्रंप को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ट्रंप ने पिछले 15 सालों में 10 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरा है। ट्रंप ने 2016-17 में 750 अमेरिकी डॉलर यानी 55,283 रुपए का इनकम टैक्स भुगतान किया था। जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी है। आज सुबह 10:42 पर आए भूकंप के केंद्र की गहराई सतह से महज 5 किलोमीटर नीचे थी।